हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी लौकी का बजका। इसके लिए मैंने लिया है एक लौकी, जिसको छील कर गोल आकार में काट देना है, और चावल को पानी में भिगो कर मैंने पीस लिया है। इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसके लिए मैंने बेसन लिया है 150 ग्राम, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और कुछ मसाले। आइए मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपना लौकी छील रहा है, और छीलने के बाद मैं इसे गोलाकार में काटूंगी। अब फ्रेंड्स, मैं एक स्लाइसर की सहायता से इसे गोलाकार में काट रही हूँ, जिससे ये बहुत ही अच्छा राउंड शेप में बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्लाइसर की सहायता से ये गोल आकार में काट लिया है। अब मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। अब फ्रेंड्स, मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है। चावल को धोकर इसको 1 घंटे के लिए फूलने तक छोड़ दिया गया था, उसके बाद मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी, जिससे हमारा लौकी का बचका बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक इसकी सहायता से एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। डेढ़ चम्मच नमक के बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 चम्मच गोलकी पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, जो मैंने छोटा छोटे बारीक काट लिए हैं, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब मैं चारों तरफ से इसे मिलाऊंगी, ताकि हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो जाए, जिससे हमारा लौकी का बचका बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए बैटर तैयार हो गया है। अब मैं गैस जलाऊंगी और मैं ये रेसिपी तावा पर बनाऊंगी। जो तावा पर बनेगा बहुत ही कुरकुरा बनेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। अब ये तावा गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है, और ये रेसिपी मैंने सरसों के तेल में बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। तावा पर थोड़ा सा तेल डालकर मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। तेल जब तक गर्म होगा, तब उसमें लौकी के बचके डाले जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमारा तावा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक एक लौकी के स्लाइसेस को तावा पर डालूंगी। इससे हमारा ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बनकर तैयार होगा बहुत ही लाजवाब। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आप लोग अपने घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा और खाइएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने तावा पर बहुत अच्छी तरह से इसको सजा दिया है, जो कि इस ये बनकर तैयार होगा। और मैंने इसे मीडियम हाई पर छोड़ दिया है, जिससे ये धीरे धीरे पकते रहे। अब फ्रेंड्स, देखिए मैं इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल है, जो कि इससे बहुत अच्छा बनेगी और कुरकुरे बनेगी। अब फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा लौकी का बचका धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहा है। एक तरफ से ये थोड़ा पक चुका है। अब मैं इसे एक छोलनी की सहायता से पलटूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खाने में भी लाजवाब होगा, टेस्टी होगा, कुरकुरा होगा। अब मैं अपने लौकी के बचके को पलट चुकी हूँ। अब दूसरी तरफ पलटने के बाद मैं इसमें किनारे किनारे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी,
जिससे ये हमारा धीरे धीरे पककर तैयार होगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा धीरे धीरे पककर तैयार हो रहा है। अब मैं इसे एक बार फिर पलटूंगी। देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। धीरे धीरे एक तरफ पक चुका है, अब बस एक तरफ पकाना है और बस ये गर्मा गर्म सर्व कर खाना है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लौकी का बचका बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और एक प्लेट में सर्व करूँगी। अब ये फ्रेंड्स देखिए ये हमारा लौकी का बचका बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है और इसके साथ मैंने धनिया पत्ती की चटनी बनाई है जो कि इसके साथ खाई जाती है और ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। अब फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।